नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल ASY कार ड्राइव हैशटैग नो टुडे में। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा मारुति सुजुकी एस क्रॉस के बारे में। इस गाड़ी के पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, ये गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके साथ साथ इस गाड़ी में कितने कलर्स मिलते हैं, कितने वेरियंट्स मिलते हैं, उन वेरियंट्स में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या नहीं मिलते, और उन वेरियंट्स के एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से क्या प्राइसेस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एस क्रॉस में इंटरेस्टेड हैं, इसको लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखें, आपको मदद मिल सकती है। चलिए शुरू करता हूँ और सबसे पहले बात करता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मारुति सुजुकी एस क्रॉस का है इस गाड़ी के लुक्स। एस क्रॉस का फेसलिफ्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसमें इसके लुक्स को चेंज कर दिया गया है, स्पेशली इसके फ्रंट लुक्स को। गाड़ी का एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, आपको काफ़ी प्रीमियम लुक्स मिलते हैं। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ, सेटिस्फैक्ट्री पावर एंड पिकअप। इसमें आपको सेटिस्फैक्ट्री पावर मिलती है, साथ ही में आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिलता है। इसके साथ साथ इसका सस्पेंशन हो, राइड हो, हैंडलिंग हो या फिर कंफर्ट लेवल हो, काफ़ी अच्छा मिलता है। स्पेशली इसकी ड्राइवर सीट पे आपको काफ़ी कंफर्ट मिलता है। इस गाड़ी में आपको फुली लोडेड फीचर्स मिलते हैं। अपनी सेगमेंट से कंपेयर करने पर शायद ही एक आध दो फीचर्स ऐसे हों जो आपको एस क्रॉस में ना मिलें, वरना सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट इस गाड़ी का माइलेज। इस गाड़ी में 25.1 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो होंडा WRV में 25.5 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। सेगमेंट से मेरा मतलब है फोर्ड इको स्पोर्ट, होंडा WRV, रेनो डस्टर, हुंडई क्रीटा, निसान टेरेनो और टाटा नेक्सॉन। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी के यूज़र रिव्यूज़ ज़्यादातर सेटिस्फाइड हैं। इस गाड़ी के ओनर्स अपनी एस क्रॉस से ज़्यादातर आपको सेटिस्फाइड मिलेंगे। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क। इंडिया में मारुति सुजुकी का सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप अपनी एस क्रॉस को किसी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हैं अपनी फैमिली या फिर अपने दोस्तों यारों के साथ में, और बाय चांस आपकी एस क्रॉस में किसी तरीके की समस्या आ जाती है, तो आप काफ़ी आसानी से उसको रिपेयर करवा सकते हैं ऑथोराइज्ड सर्विस नेटवर्क या फिर लोकल मैकेनिक से। यहाँ पर इस गाड़ी के पॉजिटिव्स ख़त्म होते रहे। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मारुति सुजुकी एस क्रॉस का है इसके इंजन में मिलने वाली पावर। इसके इंजन में आपको 1248 cc का डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जो कि 88.5 bhp की पावर जनरेट करता है 4000 rpm पे, और 200 nm का टॉर्क जनरेट करता है 1750 rpm पे। ऐसा नहीं है कि इसके इंजन में आपको कहीं अंडर पावर महसूस होगी या फिर पावर लैक फील होता है, लेकिन जब इसके इंजन को मैं इसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के इंजन से कंपेयर करता हूँ, तो आपको एस क्रॉस में सबसे कम पावर मिलती है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको 180 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस आपको इस सेगमेंट में डस्टर में मिलती है, 210 mm की। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते जब मैं सेगमेंट से कंपेयर करता हूँ, तो जैसे रियर AC वेंट्स। सेगमेंट में आपको क्रीटा, टेरेनो, नेक्सॉन, डस्टर में मिल जाते हैं। कूल ग्लव बॉक्स आपको एस क्रॉस में नहीं मिलता, जबकि इको स्पोर्ट और नेक्सॉन में मिल जाता है। ब्रेक असिस्ट जैसा सेफ्टी फीचर आपको इसमें नहीं मिलता, जबकि डस्टर या फिर टेरेनो में आपको मिल जाता है। साथ ही में आपको इस गाड़ी में डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, हालांकि सेगमेंट में ज़्यादातर गाड़ियों में आपको डुअल एयरबैग्स ही मिलते हैं, लेकिन इको स्पोर्ट में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एस क्रॉस के नेगेटिव पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। बात करता हूँ अब एस क्रॉस के वेरिएंट्स की। एस क्रॉस में आपको कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, उनमें क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और क्या फ़ीचर्स नहीं मिलते। सबसे पहले आपको बता दूं कि एस क्रॉस में 4 वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और टॉप वेरिएंट अल्फ़ा। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में आपको बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स एंड ORVMs, क्रोम फ्रंट ग्रिल, स्प्लिट रियर कॉम्बिनेशन लैम्प सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं, चाहे आप टॉप वेरिएंट लो या बेस वेरिएंट। सिल्वर रूफ रेल्स आपको टॉप वेरिएंट में मिलती हैं, जबकि जीटा और डेल्टा में ब्लैक रूफ रेल्स मिलती हैं। रूफ रेल्स के साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स विद LED और LED टेल लैम्प्स भी आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेंगे। एलॉय व्हील्स
और टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM आपको जीटा और अल्फा में मिलेंगे। डेल्टा और सिग्मा में आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं, एलॉय नहीं मिलते। बात करता हूँ इंटीरियर की। डोर आर्मरेस्ट, फ्रंट मैप लैम्प, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, ये सभी फीचर्स आपको सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। लेदर वर्क ऑन डोर आर्मरेस्ट, लेदर सीट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट अल्फा में मिलता है। सेटिन क्रोम इंटीरियर फिनिश आपको टॉप वेरिएंट अल्फा और जीटा में मिलेगा, जबकि सिल्वर फिनिश आपको डेल्टा और सिग्मा में मिलेगा। लगेज रूम, फ्रंट फुटवेल एंड ग्लव बॉक्स इल्यूमिनेशन आपको सभी वेरिएंट में मिलते हैं बेस वेरिएंट को छोड़कर। सेफ्टी में आपको फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, ड्यूल हॉर्न, इंजन इमोबिलाइजर, ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, नेक्सा सेफ्टी शील्ड, हेडलैम्प लेवलिंग जैसे फीचर्स आपको सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। नेक्सा सेफ्टी शील्ड में आपको सुजुकी टैक्ट बॉडी, ड्यूल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोफिक्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स, फ्रंटल एंड फ्रंटल ऑफसेट एंड साइड इम्पैक्ट कॉम्प्लायंस जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं सभी वेरिएंट्स में। इसके बाद एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प लेवलिंग, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग ऑटो वाइपर जैसे फीचर्स आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट अल्फा में मिलते हैं। एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट अल्फा, सेकंड टॉप जीटा और डेल्टा वेरिएंट में मिलते हैं। फ्रंट फॉग लैम्प्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर एंड वॉशर एंड डेमिस्टर आपको अल्फा और जीटा में मिलते हैं। बात करता हूँ इन्फोटेनमेंट सिस्टम की। स्मार्ट प्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, टू एक्स्ट्रा ट्विटर्स एंड स्पीकर्स, नेविगेशन सिस्टम, रिमोट कंट्रोल थ्रू स्मार्टफोन ऐप और वॉइस कमांड जैसे फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट अल्फा और सेकंड टॉप जीटा में मिलते हैं। वहीं फोर स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB एंड ऑक्स कंपेटिबिलिटी जैसे फीचर्स आपको अल्फा, जीटा और डेल्टा वेरिएंट्स में मिलते हैं। ऑडियो विथ CD प्लेयर विथ रिमोट कंट्रोल आपको डेल्टा वेरिएंट में मिलता है, जबकि सिग्मा में आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम में कुछ भी नहीं मिलता। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करता हूँ। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, कीलेस एंट्री, पावर विंडोज़, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन विंडोज़, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, टिल्ट स्टीयरिंग, इंजन स्टार्ट स्टॉप कैंसल स्विच, को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, 60x40 स्प्लिट रियर सीट्स, डस्ट एंड पोलन फिल्टर, 1 लीटर बोतल होल्डर ऑन डोर्स, फ्रंट एसेसरी सॉकेट्स, लगेज बोर्ड, इलेक्ट्रिक बैक डोर ओपनिंग जैसे फीचर्स आपको सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं, चाहे बेस वेरिएंट हो या टॉप वेरिएंट। वहीं इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, ऑटोमेटिक AC, वैनिटी मिरर लैम्प्स, रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, लगेज रूम एसेसरी सॉकेट, डुअल साइड ऑपरेबल पार्सल ट्रे, पुश स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट अल्फा और सेकंड टॉप जीटा में मिलते हैं। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, स्लाइडिंग फ्रंट आर्म रेस्ट विथ स्टोरेज, ग्लव बॉक्स, ड्राइवर साइड फुट रेस्ट और सनग्लास होल्डर जैसे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट छोड़ के बाकी सब में मिलते हैं। यहाँ पर वेरिएंट्स की जानकारी ख़त्म होती है। बात करता हूँ मैं कलर्स की। तो मारुति सुजुकी एस क्रॉस में आपको टोटल 5 कलर्स देखने को मिलेंगे, ब्लू, सिल्वर, वाइट, ब्राउन और ग्रे। वहीं मैं एस क्रॉस के प्राइस की बात करता हूँ तो 8.49 लाख से चालू होके 11.29 लाख तक इसका टॉप मॉडल एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से जाता है। एस क्रॉस के बारे में मैंने आपसे सभी बातें कर ली हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको 1% भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।